तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका माइनक्राफ्ट के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। तो आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं गाइस ऑल द मोर सिक्स स्काई। और जैसे कि आप सबको जारी होगा कि लास्ट वाली वीडियो में हमने एक हैमर बना लिया था, एक फर्नेस क्राफ्टिंग टेबल बना लिया था, और फिर एक क्रो को भी बना लिया था हमने, जिससे हम लीव्स ले सकते हैं। और भी हमने काफ़ी सारे क्विस्ट पूरे कर लिए थे गाइस। और आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं ऑल द मोर सिक्स टू द स्काई। तो आज हम थोड़े बहुत और क्विस्ट पूरे करेंगे गाइस। और लास्ट वाली वीडियो में हमने एक कोबस्टोन भी बना लिया था, और ऑफलाइन मैंने थोड़े बहुत कोबस्टोन माइन करके रखे हैं गाइस। और थोड़े बहुत मैंने ट्री भी काटे थे ऑफलाइन, और थोड़े बहुत स्टोन भी मैंने स्मेल्ट करके रखे हैं गाइस। और इसके अलावा आज हम थोड़े बहुत और क्विस्ट पूरे करने वाले हैं। और हमारा जो लास्ट वाला क्विस्ट था वो था गाइस, हमें एक सीप बनानी थी। तो हमें एक बुक मिली थी जिसमें हैमर और सीप के बारे में लिखा हुआ है। तो हैमर का क्या यूज़ होता है, हैमर से हमें जो कोबस्टोन है उसे हम अगर हम हैमर में मारेंगे तो हमें ग्रेवल मिलेगा, ग्रेवल से डर्ट, डर्ट से सैंड, और सैंड से रेड सैंड मिलेगी। तो यही है गाइस हैमर का काम। और इसके बाद हमें सीप बनानी थी। सीप के लिए सबसे पहले हमें मैश चाहिए थी, जो कि नौ स्ट्रिंग से बन जाती है गाइस। अगर मैं आपको इसकी रेसिपी दिखाऊँ तो कहाँ गई रेसिपी, ओके ये तो डायमंड मैश है गाइस। लेकिन जो सिंपल मैश है वो नौ स्ट्रिंग से बन जाती है गाइस, जैसे हम ब्लॉक बनाते हैं वैसे नौ स्ट्रिंग से एक मैश बन जाती है गाइस। और मैश हमने बना ली है। और उसके अलावा अब हमें सीप बनानी है, जो हमारा मेन टास्क है। उसके लिए हमें मैश चाहिए जो कि हमारे पास है। उसके अलावा हमें एक दो तीन वुडन स्लैब चाहिए, और चार हमें वुड की स्टिक्स चाहिए। तो मैंने पेड़ काटे थे तो थोड़ी बहुत स्टिक्स तो मेरे पास यहाँ पर पड़ी हैं, और मैं थोड़ी बहुत ये भी ले लेता हूँ ताकि मैं स्लैब्स बना सकूँ। और एक स्टिक मेरे पास यहाँ पर भी पड़ी है, तो मैं क्राफ्टिंग टेबल खोल लेता हूँ जल्दी से। और सबसे पहले हम प्लैंक्स बना लेते हैं, और प्लैंक्स के बाद मैं बना लेता हूँ स्लैब्स, जो कि हमारी इस तरह से बन जाएगी। और अब हमारी बन जाएंगी स्टिक। और यहाँ पर ये देखिए गाइस सीव की रेसिपी आ चुकी है, तो अब हम सीव भी बना सकते हैं। तो मैं जल्दी से सीव बना लेता हूँ, और हमारा क्विस्ट पूरा हो गया, और हमें काफ़ी सारी चीज़ें मिली है गाइस। तो फिलहाल हमारी जो पुरानी क्विस्ट बुक है उसे तो मैं इसमें स्टोर करा देता हूँ, और ये जितना भी सामान मुझे मिला है ये भी यहाँ पर स्टोर, ओके ये तो नई वाली बुक है, ये भी यहाँ पर स्टोर करा देता हूँ। और उसके अलावा ये भी मुझे अभी नहीं चाहिए, तो ये भी यहीं पर रख देता हूँ। और मुझे एक और चेस्ट मिल गई, और बाकी की चेस्ट तो चलो मैंने फ़िलहाल यहाँ पर रखी है। और मैंने दो चेस्ट यहाँ पर एक्स्ट्रा लगा दी थी गाइस। और चलो देख लेते हैं हमारा ये वाला क्विस्ट क्या है। तो ये वाला क्विस्ट हमारे यहाँ पर आ गया होगा। तो हमें अब बनाना है क्रिएटर स्टोन क्रूसिबल। तो हमें एक क्रूसिबल बनाना है टू गेट वाटर थैंक्स टू द ट्रीज लीव्स, ओके। तो अब हमें वाटर बनाना है, जिसके लिए हमें स्टोन क्रूसिबल बनाना पड़ेगा। तो इस बार हमें दो बुक्स मिली है गाइस, ओके। पहली बुक तो है हमारी सीव, ओके मेरा ट्री भी उग गया, सीव ड्रॉप्स। तो हम सीव में कौन कौन से ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं गाइस, ग्रेवल सैंड रेड सैंड क्ले और डर्ट। तो ये चीज़ें हम सीव में यूज़ कर सकते हैं गाइस, और ये कुछ ज़्यादा ही छोटा। और ऑफलाइन एक बड़ा ट्री उग गया था गाइस, उसे निकालने में मेरी बहुत मेहनत लगी। तो फिलहाल हमें लीव की आगे जरूरत पड़ेगी, तो मैं इससे जल्दी से लीव निकाल लेता हूँ। और मुझे सैपलिंग की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े ट्री से मुझे काफ़ी सारे सैपलिंग मिल गए थे। तो फिलहाल जल्दी से मैं ये सारे लीव्स निकाल लेता हूँ। तो ठीक है, इस मैंने ट्री को काट लिया है, और मैंने सीव को यहाँ पर लगा दिया है। और मेरे पास एक डर्ट है जो कि मैंने यहीं से निकाली है, तो मैं इसे सीव कर कर देख लेता हूँ मुझे क्या मिल रहा है। ओके मुझे पम्पकिन सीड है आई थिंक ये, तो हाँ गाइस मुझे पम्पकिन सीड मिल चुके हैं डर्ट से। यानी डर्ट से मुझे ऐसी ही चीज़ मिले, ऐसी ही चीज़ें मिलेगी, मतलब कि मुझे नॉर्मल वीट के सीड भी मिल सकते हैं ऐसे। और हमारा जो टास्क था हमें बनाना है स्टोन क्रूसिबल, तो मैं देख लेता हूँ वो कैसे बनता है। ओके तो इसके लिए हमें चाहिए स्टोन, एक दो तीन से हमें स्टोन चाहिए, और एक हमें चाहिए स्टोन की प्रेशर प्लेट। तो ठीक है, स्टोन मेरे पास वैसे पड़े हुए हैं लेकिन सिर्फ दो है, यानी कि मुझे सी और बनाने पड़ेंगे, जिसके लिए मुझे कोबर स्टोन ही चाहिए नॉर्मल। तो ठीक है, इस मेरे पास स्टोन भी आ चुके हैं और स्टोन की प्रेशर प्लेट भी आ चुकी है। तो अब हम जल्दी से बना लेते हैं स्टोन क्रूसिबल। तो ये आ गया हमारे पास स्टोन क्रूसिबल, और मुझे काफ़ी सारी चीज़ें मिली है इस बार। मुझे कितनी बुक मिली, ओके इस बार भी मुझे दो बुक मिली है। तो चलो बात है, बाकी का सामान मैं फ़िलहाल इस वाली चेस्ट में रख देता हूँ। तो ठीक है गाइस, बाकी सारा सामान मैंने चेस्ट में रख दिया है, और मैंने पास दो बुक्स रख ली हैं। तो पहले मैं देख लेता हूँ विद वन क्ले ब्लॉक, ओके। तो मुझे एक ग्राउट ब्लॉक बनाना है, तो ये ग्राउट की ही है, तो मैं देख लेता हूँ। ओके क्ले ब्लॉक की रेसिपी मुझे यहाँ पर दी गई है। तो मुझे चाहिए दो सैंड और दो रेड सैंड चाहिए, तो मुझे क्ले ब्लॉक मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं क्ले ब्लॉक ही बना लेता हूँ गाइस। और सैंड आई थिंक मुझे ग्रेवल से मिलेगी, तो मैं जल्दी
इसे स्पेल में कन्वर्ट कर लेता हूँ। और ग्रेवल से हमारी बन जाएगी डर्ट, और डर्ट से हमारी बन जाएगी सैंड, सैंड से हमारी बन जाएगी रेड सैंड। तो मुझे टोटल चाहिए होंगे टीन और ग्रेवल, तो तीन ग्रेवल आ चुके हैं मेरे पास, तो तीनों को मैं डर्ट में कन्वर्ट कर लेता हूँ, एक को मैं सैंड में कन्वर्ट कर लेता हूँ। चलो वैसे सभी को सैंड में कन्वर्ट करना था, और दो रेड सैंड और दो सैंड मेरे पास हो चुकी है, तो इनसे मुझे बनाना है क्ले का ब्लॉक। तो ये रहा क्ले का ब्लॉक, क्ले का ब्लॉक भी आ चुका है मेरे पास। और फिलहाल मुझे एक और बुक भी मिली थी, स्टोन क्रॉसिबल, तो चलो इसे भी रीड कर लेते हैं पहले। ओके, टू गेट वाटर जूस द राइट क्लिक विद द लीफ शो डैट आफ्टर 7 सेकेंड्स इनटू। ओके, तो अगर हम लीव को इस स्टोन क्रॉसिबल में डालेंगे तो 60 सेकेंड्स के बाद, यानी कि 1 मिनट के बाद वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। चलो अच्छी बात है, तो फिलहाल इसे तो मैं इसमें यहाँ पर रख देता हूँ, अभी फ़िलहाल मुझे वाटर की इतनी ज़रूरत नहीं है। ओके, मुझे दो क्ले के ब्लॉक मिले हैं, चलो अच्छी बात है। तो मैं देख लेता हूँ कि मेरी आगे की रेसिपी क्या है। ओके, ग्राउट ब्लॉक मुझे 9 गुना मिलेगी, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे पहले तो चाहिए होंगे ये, एक मुझे क्ले ब्लॉक चाहिए, और 4 ग्रेवल चाहिए, और 4 सैंड चाहिए, ठीक है। तो यानी कि मुझे यहाँ से कहाँ गया मेरा हैमर, ये रहा, तो मुझे 8 ग्रेवल बनाने पड़ेंगे। ओके, कितने हो गए मेरे पास, 6 हो गए, यानी कि 1 और 2 और, तो ठीक है 8 ग्रेवल आ चुके हैं मेरे पास, और 8 में से 4 को मुझे डर्ट में कन्वर्ट करना है। ओके, और इनसे मुझे बना लेनी है सैंड। ओके, एक ही नहीं बनानी, तो इसे तो फिलहाल मैं इसमें रख देता हूँ, क्योंकि इसे इसकी भी मुझे ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है, वैसे सारी चीज़ें मेरे पास आ चुकी हैं, और ये रहा हमारा क्राफ्टिंग टेबल। तो जल्दी से मैं एक ग्रूट ब्लॉक बना लेता हूँ। ओके, जमी रह गई, मैं एक बार देख लेता हूँ फिर से कहाँ गई मेरी वो वाली बुक, ये रही। तो हाँ, वैसे मुझे 4 ग्रेवल चाहिए, और 4 ही सैंड चाहिए, और बीच में एक क्ले ब्लॉक। वैसे सारी चीज़ें हैं मेरे पास, आई थिंक मुझे खुद ही ये सब करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं 4 ग्रेवल रख लेता हूँ, यहाँ पर 4 सैंड, और यहाँ पर मैं रख देता हूँ ये। तो मुझे ग्राउट के ब्लॉक मिल चुके हैं गाइस, और हमारा जो किस्त है वो पूरा हो चुका है, और मुझे आयरन मिल चुका है गाइस। तो ओके, वैसे ये काफ़ी चीज़ें हैं, पर चलो ये तो हम बाद में देखेंगे, पहले मैं अपना सारा सामान चेस्ट में स्टोर करा देता हूँ। ये दोनों जो पुरानी वाली हैं, और ये मुझे डॉल्फिन का एग मिला है गाइस, चलो अच्छी बात है। और क्ले का ब्लॉक मैं यहीं पर रख देता हूँ, आयरन भी, और ये भी यहीं पर रख देता हूँ, ग्राउट भी यहीं पर रख देता हूँ, फिलहाल मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये मुझे कौन सी मिली है, ब्लैक फर्नेस की रेसिपी मिली है गाइस मुझे, बर्न द ग्राउट ब्लॉक्स टू गेट शेड ब्रिक्स, ओके, एंड क्रिएट द ब्लैक फर्नेस। तो ठीक है, हमारे यहाँ जो ग्राउट ब्लॉक मिला था कहाँ गया, ये रहा, तो हमें इसे फर्नेस में रखना है गाइस, कहाँ गया मेरा फर्नेस, ये रहा। तो चलो सारे को ही कन्वर्ट कर लेता हूँ, और इससे हमें ब्लैक ब्रिक मिलेंगी, तो मैं थोड़ी सी और बना लेता हूँ गाइस। वाले ब्लॉक तो मेरे पास एक पड़ा हुआ है, यानी कि मुझे 8 ग्रेवल चाहिए, कितने हो गए, 5, यानी कि 3 और। तो ठीक है गाइस, मेरे पास 4 शेयर ब्रिक का आ चुके हैं, और बाकी की भी मैंने बनने को रख दी हैं। तो देख लेता हूँ इनका क्या जो सबसे पहले मैं देखता हूँ मुझे बनाना क्या है टोटली। ओके, मुझे बनाना है एक ब्लैक फर्नेस, तो ठीक है, इसके लिए मुझे एक कोल्ड्रन चाहिए, 3 शेड और 4 शेड ब्रिक, और काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए, आई थिंक इन सभी चीज़ों की रेसिपी इसमें होनी चाहिए। तो मैं जल्दी से देख लेता हूँ। ओके, तो ठीक है, शेयर्ड ब्रिक तो मैंने बना ली है, और शेयर ब्रिक से मुझे बनाने हैं शेयर्ड ब्रिक, ओके, ब्लॉक वाली शेयर ब्रिक बनानी है मुझे इससे। तो उसके बाद मुझे चाहिए शेयर्ड कंट्रोलर, जिसके लिए मुझे चाहिए होंगी 8 शेयर्ड ब्रिक, यानी कि मुझे ये काफ़ी सारी चाहिए होंगी, तो मुझे बनाने पड़ेंगे जल्दी से। तो इसे फर्नेस में रखता हूँ। ओके, कौन सी है शेयर्ड ब्रिक, ये वाली या ये वाली, ओके ये है गाइस शेयर्ड ब्रिक, इसे ही शेयर्ड कंट्रोलर बन जाएगा गाइस, तो मैं जल्दी से इन्हें बना लेता हूँ। और उसके अलावा मुझे और भी काफ़ी सारी चीज़ें बनानी है, वो भी मैं बनाऊँगा जल्दी से, लेकिन उससे पहले मुझे फर्नेस से ये वाली ब्रिक और निकालनी पड़ेंगी। ओके, तो 4 आ चुके पास, और अब मुझे जाना है क्राफ्टिंग टेबल पर, और इनसे मुझे बनानी है ये शेयर्ड ब्रिक्स। तो ठीक है, मेरे पास काफ़ी सारा सामान आ चुका है, लगभग सारा ही आ चुका है, और
शेयर ब्रिक मुझे थोड़ी बहुत बनानी है, लेकिन उससे पहले मुझे शेयर टैंक बनाना है जो कि हमारे पास आ चुका है, और बाकी जितनी मेरे पास बची हैं उन सबसे मैं बना लूँगा शेयर ब्रिक्स। तो मैं जल्दी से शेयर ब्रिक बना लेता हूँ यहाँ से, एक और दो, तो टोटल 3 शेयर ब्रिक आई हैं मेरे पास बस, और आई थिंक मुझे काफ़ी सारी चाहिए होगी। तो आई थिंक इसमें फर्नेस की रेसिपी भी होगी, तो मैं देख लेता हूँ। तो ठीक है गाइस, बाकी सारा सामान मैंने बना लिया है, बस ये मुझे चाहिए तो फिर मेरा सारा काम हो जाएगा। आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने एक कंट्रोलर भी बना लिया है, 4 मैंने शेयर ब्रिक भी बना ली हैं, और 2 मेरे पास शेयर टैंक आ चुके हैं, बस मुझे एक और चाहिए और फिर मेरा काम हो जाएगा। जिसके लिए मुझे 6 ये वाली चाहिए ब्रिक्स, बस 3 और चाहिए फिर मेरा काम हो जाएगा। और मेरे पास कोल ख़त्म हो गया था, तो जितनी मेरे पास वुड थी वो सारी की सारी मैंने यहाँ पर लगा दी गाइस, और बस ये होने वाली हो गया गाइस। ओके, 4 हो गई, और ये 1, 5, बस लास्ट वाली चाहिए हमें गाइस, और फिर जो है हमारा टास्क पूरा हो जाएगा। और थोड़ा बहुत मेरे पास सामान बच गया, यानी कि क्ले बॉक्स पास बच चुका है। तो ठीक है, ये आ गई मेरे पास से ब्रिक्स, और ये आया मेरे पास एक और क्या कहते हैं इसे, शेयर टैंक, और आई थिंक अब मेरा ये बन जाएगा। तो इन्हें मुझे ऐसे रखना है, और इन्हें ऐसे, और इसे मुझे यहाँ पर ऐसे रख देना है क्या कुछ। ओके, मुझे कॉल्ड्रोन भी चाहिए था गाइस, मुझे याद नहीं था, तो यहीं कहीं पर मैंने आयरन रखा था, तो मैं वो निकाल लेता हूँ। ये रहा आयरन, तो आई थिंक ओके, तो इन्होंने मुझे 5 ही दिए, और आई थिंक 5 से क्या आयरन इंगट हमें कितने चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 7। तो बाकी के आयरन मैं कहाँ से लाऊँ, आई थिंक मुझे ग्रेवल को सेव करना पड़ेगा गाइस। तो ग्रेवल तो मेरे पास ख़त्म हो गया, यानी कि मुझे यहाँ से स्टोन माइन करना पड़ेगा गाइस फिर से। तो मैं जल्दी से स्टोन माइन कर लेता हूँ, सबसे पहले मैं क्राउच हो जाता हूँ, 1 वो भी उस तरफ गिर गया, 2 और 3, तो मैं 5 माइन कर कर देख लेता हूँ पहले कि मुझे 5 से क्या मिलता है। ओके, तो मैं यहाँ से भी कलेक्ट कर लेता हूँ ध्यान से, अभी मेरा सारा आयरन जाता गाइस। तो ओके, मैंने सेव नहीं कर सकता, ग्रेवल बनाना पड़ेगा मुझे से, तो 5, तो ग्रेवल को मैं सेव कर कर देख लेता हूँ मुझे क्या मिलता है। ओके, मुझे कुछ मिला तो है, और आप देख सकते हैं गाइस जी बिल्कुल ब्लैक ग्लू गेम जैसा है। तो आयरन के मुझे मिल चुके हैं, तो क्या मैं इन्हें सीधा स्मेल्ट कर सकता हूँ या नहीं, तो मैं देख लेता हूँ। ओके, मैंने सीधा स्मेल्ट नहीं कर सकता, मैं कि मुझे इसका भी कुछ करना पड़ेगा। तो आज का वैसे हमारा काम हो चुका है गाइस, ये वाला क्वेश्चन हम अगली वीडियो में पूरा करेंगे। तो आज की इस वाली वीडियो में इतना ही गाइस, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गाइस।